हेलो दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे मिररिंग कर सकते हो। गाइस अगर आप चाहते हो अपने मोबाइल में आप गेम प्ले करेंगे और टोटली ये जो गेम प्ले अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे मिररिंग होगा या लैपटॉप के स्क्रीन के मिररिंग हो तो कैसे आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। और इसके लिए आपको कुछ भी आपको बाय नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, सिंपल एकदम फ्री में हो जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे स्क्रीन मिररिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटर में आपको कुछ जो कि टूल्स है टूल्स को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो वो ये है, आपको सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे आपको आ जाना है। क्रोम ब्राउजर पे आपको आ जाना होगा, किसी भी ब्राउजर आपको आ जाना है। ब्राउजर में आ जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना होगा ADB ड्राइवर, ठीक है, ADB ड्राइवर। तो इसको आपको सर्च कर लेना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का बहुत सारा ड्राइवर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैं सबसे ऊपर में जो ADB ड्राइव आता है उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर है, तो ये डाउनलोड डिवाइस, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और यहाँ पर डाउनलोड करते ही यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है गाइस। और इसके साथ आपको और एक फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो ये है स्क्रिप्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मैं ये रहा स्क्रिप्ट। ये कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको स्क्रिप्ट दो जो कि टूल्स आपको डाउनलोड करना है। तो स्क्रिप्ट आपको सर्च करना होगा अपने ब्राउज़र पर। तो आप देखेंगे कुछ बहुत सारा जो कि आपको साइड आपको मिलेगा, जो सबसे ऊपर आपको दिखता है, जो देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसी साइड में मैं जाऊँगा और यहाँ पर जो लेटेस्ट एकदम न्यू जो है, तो इस साइड में राइट साइड में आप देख सकते हो एकदम लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट को मैं इंस्टॉल टच करूँगा। लेटेस्ट को टच करने के बाद नीचे आऊँगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा और एक ऑप्शन यहाँ पर नीचे देख सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में जो कि 32 बिट है या 64 बिट है, उस हिसाब से आप यहाँ पर टच कर लेना। जैसे आपने टच करेंगे और ये भी डाउनलोड होना चाहिए। तो ये दोनों फाइल जो कि आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो इसके बाद मैं यहाँ से टोटल इसको मैं कट कर देता हूँ, कंटिन्यू डाउनलोड, ओके। अभी फिलहाल इसको मैं कट कर दिया। तो दोनों के जो कि आपको डाउनलोड कर लेना होगा। अभी बस काम हो चुका है, बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही एकदम मतलब उतना आपको मुश्किल भी नहीं है। तो गाइस आपको सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो दोनों फाइल है, दोनों फाइल आपको सही से आपको लगाना पड़ेगा। कैसे लगाइए चलिए गाइस मैं आपको देख लेता हूँ। सबसे पहले आपको अपने जो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन में एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको सुविधा होगा देखने में। तो यहाँ पर लिख दीजिए, मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। कहाँ गया न्यू फोल्डर, ये न्यू फोल्डर। तो यहाँ पर एक फोल्डर ओके कर देता हूँ, ओके एंटर, ठीक है। तो अभी ये जो फोल्डर है, इसी फोल्डर के अंदर जो वो जो दोनों फाइल है इसी फोल्डर के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो मैं फाइल पर आता हूँ और यहाँ पर है डाउनलोड ऑप्शन, ये रहा डाउनलोड ऑप्शन, ये रहा दोनों फाइल। इसको सिंपली हम टोटली हम कॉपी कट कर लेते हैं और कट करने के बाद कहाँ गया, इसको साइड में कर देता हूँ, फोल्डर के अंदर टोटली हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो दोस्तों ये जो ADB फाइल है, इसी ADB फाइल को इस फाइल के अंदर पे आपको रखना है। तो सबसे पहले इसी फाइल को हम यहाँ पर टोटली हम यहाँ पर कट कर लेंगे और ये जो स्क्रिप्ट जो फाइल है इसके अंदर हम टोटली आएंगे और यहाँ पर टोटली हम पेस्ट कर देंगे। तो ADB फाइल इसके अंदर आ गया, ये रहा ADB फाइल यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो ADB फाइल है इसको टोटली हम जो कि इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटली हम राइट साइड में क्लिक करेंगे, माउस के लेफ्ट साइड क्लिक करेंगे और ओपन में क्लिक करेंगे। और ओपन में क्लिक करते ही यहाँ पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करना हो पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, अब येस में क्लिक कर देता हूँ। तो अभी देख सकते हो टोटल ये जो ADB फाइल है जो कि इंस्टॉलिंग हो चुका है, इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल ये कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलिंग, हाँ। तो अभी बस यहाँ पर जो भी काम था यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको मैं कट कर देता हूँ, एक बार प्रेस कर लेता हूँ। अभी आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली आपके मोबाइल का जो चार्जर का जो केबल है, एक जो कि आपको कंप्यूटर में आपको लगाना है और एक अपने मोबाइल पे आपको लगाना है। तो दोस्तों कंप्यूटर से और मोबाइल में जो कि चार्जर का केबल लगाने से पहले आपको मोबाइल में एक सेटिंग आपको ऑन करना पड़ेगा, वो है USB डबिंग। ये जो ऑप्शन है आपको ऑन करना पड़ेगा। तो गाइस मैं यहाँ पर सबसे पहले उसी ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ, कैसे देखो। तो गाइस सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग ऑप्शन में आपको आ जाने हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होता है डेवलपर ऑप्शन, उसी डेवलपर ऑप्शन के अंदर रहता है USB डबिंग जो कि ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अबाउट सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पर MI वर्जन जो ऑप्शन है यहाँ पर 6-7 बार आपको क्लिक करते ही आपको जो कि डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा आपके डिवाइस में। तो वो जो डेवलपर ऑप्शन है आपको सिंपली नीचे आएंगे एडिशनल सेटिंग पे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो हो सके थोड़ा आपको सेटिंग अलग हो सकता है, लेकिन डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको ये डिबगिंग जो कि ऑप्शन है आपको मिल जाएगा।
तो अभी ये रहा नीचे, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को है डेवलपर ऑप्शन, तो सिंपली यहाँ पर हम टच करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन। सिंपली इसी ऑप्शन को आपको टच करना है। यहाँ पर कुछ आपको परमिशन मांगता है, सिंपली मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और ओके में क्लिक करूँगा। और गैस यहाँ पर ओके में क्लिक करते ही हमारा जो डेवलपर ऑप्शन है ऑन हो चुका है। हम सिंपली यहाँ से बैक आ जाएंगे और टोटल यहाँ पर जो जैसे हमने जो चार्जर का केबिल है, सिंपली जो नॉर्मल का चार्जर का केबिल है, टोटल एक पीसी में हमने लगा दिया और एक हमारा मोबाइल में यहाँ पर लगा देता हूँ जैक में। और जैसे ही जैक में यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ से हमारा यहाँ पर आप फाइल ट्रांसफ़र में हम टच करेंगे, यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर मैंने नो डेटा ट्रांसफ़र, फाइल ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र फोटो, तो मैं फाइल ट्रांसफ़र में क्लिक करता हूँ एंड्रॉयड ऑटो। इसमें क्लिक करते ही और यहाँ से मैं फ्री फायर गेम को ओपन करूँगा। आप चाहे तो कोई भी गेम ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पर गेम को ऑन ओपन कर रहा हूँ, फ्री फायर गेम को मैंने यहाँ पर दबा दिया हूँ, फ्री फायर गेम ओपन हो रहा है। अभी आपको यहाँ पर कंप्यूटर में मोबाइल को स्क्रीन को मैडिंग करने के लिए, तो दोस्तों एक मिनट मेरे मोबाइल का जो इंटरनेट है इंटरनेट को ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फ्री फायर गेम है वो तो ऑनलाइन गेम है तो इंटरनेट चाहिए चाहिए। तो गैस और आपके स्क्रीन को मैडिंग करने के लिए कोई इंटरनेट का ज़रूरत नहीं है, सिंपली वो हो जाएगा गैस। अभी सिंपली हम अभी जो भी हमारा मोबाइल में जो भी हो रहा है उसका भी कंप्यूटर में लेने के लिए स्क्रीन को आपको सिंपली इसी फोल्डर में आपको आ जाना है। जैक को लगाने के बाद गैस, जैक को लगाने के बाद सिंपली आपको इसी फोल्डर में आपको आ जाना है। फ्री फायर के ऐड को मैं काट कर देता हूँ सबसे पहले। तो अभी आपको करना क्या होगा, कितना सारा ऐड आता है फ्री फायर में, तो अभी देखो सिंपली हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो फोल्डर है फोल्डर में हम टच करेंगे। फोल्डर में जैसे आप टच करेंगे यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट बोल के जो ऑप्शन है, इसी स्क्रिप्ट ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन मिलता है स्क्रिप्ट। ये जो ऑप्शन है सिंपली इसी ऑप्शन में हम टच करेंगे दो बार और यहाँ पर एक्सटर्नल ऑल पर हम क्लिक करेंगे। एक्सटर्नल ऑल पर हमने क्लिक किया, ओके ओके, और एक बार यहाँ पर इसको टोटली हम कट कर देते हैं और एक बार यहाँ पर रिफ्रेश में क्लिक करते हैं। तो अगर एक एक्सटर्नल दिखाता है तो एक बार एक एक्सटर्नल आपको कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओके में क्लिक करूँगा, यहाँ पर स्क्रिप्ट बोल के जो ऑप्शन है इसके अंदर आऊँगा और यहाँ पर है स्क्रिप्ट, इसको इसमें टच करूँगा। और यहाँ पर टच करते ही डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे कुछ यहाँ पर कोडिंग जैसा लगेगा। यहाँ पर आपको मोबाइल में एक पॉपअप आएगा, सिंपली इसको ओके में क्लिक कर देना है। ओके में क्लिक करते के साथ आपको और एक बार यहाँ पर स्क्रिप्ट में क्लिक करना है। आप देखेंगे टोटली आपके जो यहाँ पर देख सकते हो, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो टोटली कितना सुविधा हो चुका है, कितना आसानी से आपने जो अभी हमारे मोबाइल में आप देख सकते हो टोटली। यहाँ पर मैं अगर मैं कैमरा को घुमाऊँ तो मोबाइल में भी आप देख सकते हो टोटली जो भी मोबाइल में हो रहा है वही आप टोटली यहाँ पर कैमरा के सामने भी आपको देखने को मिल रहा है। गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये रहा मोबाइल में और ये पीसी में भी हो रहा है। अगर मैं टोटली यहाँ से रिमूव देखो, यहाँ से मैं अगर मैं कैरेक्टर को घुमाऊँगा तो वहाँ से भी कैरेक्टर भी घूम रहा है। देखो गाइस टोटली आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से भी मैंने कैरेक्टर को घुमा रहा हूँ और वहाँ से भी कैरेक्टर घुमा रहा है पूरा ही एकदम रियल टाइम के साथ। देखो दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे तो लगता है एकदम रियल टाइम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है एकदम, ठीक है। तो गाइस तो मैं कुछ इस तरह से काफ़ी आराम से जो कि बिना कोई मतलब पेड किए ही, बिना कोई परचेस किए ही मैं यहाँ पर इस तरह से जो कि मोबाइल का जो स्क्रीन है मैं कंप्यूटर में मैडिंग करता हूँ कुछ इस तरह से काफ़ी आराम से। और इसके बाद जो OBS स्टूडियो से काफ़ी आराम से अपने जो कि OBS स्टूडियो से मैं लाइव स्ट्रीम कर लेता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस कुछ इस हिसाब से काफ़ी आराम से अपने जो मेडिंग है अपने मोबाइल का जो स्क्रीन है अपने कंप्यूटर पर आप मेडिंग कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, वीडियो पसंद आएंगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और वो जो दोनों सॉफ्टवेयर हमने बताया तो उसी जो टूल्स एक्चुअली वो टूल्स है उसी टूल्स की मदद से काफ़ी आराम से अपने जो कि इस मोबाइल की स्क्रीन को जो कि आप मेडिंग कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, वीडियो पसंद आएंगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए, जब भी नया वीडियो अपलोड है चैनल पर आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले दोस्तों। तो गाइस इसके बाद आपको जैसे ही गेम प्ले करेंगे और गेम प्ले के साथ साथ OBS स्टूडियो में कैसे क्या करते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को लास्ट में अगर हो सके तो इस वीडियो को मैं दे दूंगा। ओके गाइस, गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।